भाइयों दोनों बैलों की चाल देखो, चलते रहो। गजबगर झूल भी भाइयों सुंदर लग रही बिल्कुल। अब देखो चाल यहाँ पर थोड़ा था भाइयों, शाम के समय इसलिए जोड़ा क्योंकि अभी गर्मी है, मैं लेट आया था इसलिए। बैलगाड़ी जो है इसी में लकड़ी का देख लो पहिया लग रहा है, यो तो तंगा है लकड़ी का। हाँ जी ठीक है जी जी। इसे लोगों को तो नहीं पता क्या क्या है। हाँ जी यो जंग है, वैसे यो जंग है जी। हाँ, इसे बोलना है घंटा। हाँ, घंटा नहीं, जंग है, जंग है जी। हाँ, इससे आगे जी यो आगे जुआ है। अच्छा जुआ है, तो जोटे का भी शौक। हाँ जी, जोटा छोटा फिर नो कहोगे जोटा तो यमराज की सवारी मान लो आप। बिल्कुल 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 सही बात। हाँ जी, अनाडी से लगाया जी जी जी। भाई इसे शौक है, शौक है बिल्कुल। सबसे अच्छा जो शौक है वो बैडो का। हाँ जी, धन का शौक है जी। बस मोटा मोटा जान रहे बस, उसे ऑथेंटिक्स मतलब सिद्धांत के अनुकूल में जानते नहीं। जैसे आप गोत्र के गोत्र में शादी करोगे तो जो आपकी नस्ल है वो अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक जेनेटिक रोगों तक ग्रस्त हो जाएगी। हाँ, यहाँ गोत्र छोड़ के परंपरा ये तो है, गोत्र छोड़ के जी 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 शादी करने की। अच्छा, क्या नाम? बाबू राम जी। बाबू राम जी। तो चौधरी साहब अब लो चल रहा जी शौक, कैसा जी लग रहा? मतलब जी लग रहा जी। आपके सारे ही रह रहे है, फिर इससे बाद में तो ना रखे जाते नहीं, बस रखन की नहीं। जब मैं अपने पिताजी का महाराज मेरा नहीं मामू। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं जीमाणा गांव में, जीमणा पूर्वालियन के पास में जीमणा है ये, और आदेश भाई के पास में पहुंचा हूं। भाइयों जो कि आज तक अपना बैलों का शौक हमारे जो साहब का पुराना है बिल्कुल, और आज तक अपना परंपरागत तरीके से चला रखा है इन्होंने। तो भाइयों झोटों का भी शौक है, देख लो सामने फिरक भी है। तो आज की वीडियो में भाइयों इनके पास में जो शानदार नागौरी नस्ल के बछड़े हैं, ये सामने गाड़ी खड़ी है बिल्कुल तैयारी में है भैया जी, और गंगा जी की तैयारी इनकी शुरू होगी। तो आज मैं भैया जी से मिलवाऊंगा आपको, और इन बछड़ों को जो है आज गाड़ी में चलवा के दिखाया जाएगा आपको बढ़िया तरीके से। तो कंप्लीट वीडियो बनेगी बढ़िया वाली, तो वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं मिलवा दूं एक बार चौधरी साहब से। तो हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, थोड़ा सा तो अपना किसान भाइयों को परिचय करवा दो जी। मेरा नाम आदेश वालियान है, गांव यूरणा है जी जी, नियरपुर वालियान। अच्छा ठीक। तो जी गंगा जी कहाँ जाकर जी? सुक्कताल जाते हैं। सुक्कताल जाकर जी, तो तैयारी अभी से ही कर दीजिए। अभी से तैयारी कर। तो बैल लेके जाकर झोटा भी जी? ना झोटे भेड़े लेके जाओगे। भेड़े ही लेके जाओगे जी। अच्छा अच्छा, तो ये आपने फिरक कहाँ बनवाई जी? आपके गाँव में पड़े फिरक? हाँ बना दे, एक लड़का, एक लड़का बना दे जी। तो ये करडे के लिए तैयार कर रखी? करडे के लिए तो वैसे ले आवा घुमा के करडा। अच्छा अच्छा, करडा घुमा के ले आवा। तो जी एक बात बताओ जी, आपको वैसे क्या कर करो जी, खेती कर रहे हैं? हाँ खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे जी, तो बैल तो जैसे एक विलुप्ति के कगार पे चले गए, ये शौक आपने कैसे रख रखा अब तक? ये शौक हमारा पारिवारिक शौक है, मेरे दादाजी रखते थे, फिर मेरे पिताजी, हमें भी शौक है। अच्छा हमें भी शौक है जी। कुछ लाभ लगा है जैसे? लाभ ही लाभ है, गाय का धन का नुकसान तो है नहीं, फायदा ही है। फायदा ही है जी। बढ़िया है गाय का धन जी जी। लोग इनकी वैल्यू नहीं समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देसी गाय की तो बहुत वैल्यू है, समझ तो नहीं रहे जी जी। अच्छा हम क्या है हमारे, हम लोग हिंदुस्तान में क्या कल्चर है, हमारे यहाँ पश्चिम की नकल कर रहे। बिल्कुल ठीक है जी। तो भाइयों पहले तो देखो यहाँ पे जो भाई बैठे हैं, सबसे पहले इनसे मिलवा दे। हाँ जी राम राम जी। तो बैलों के थोड़े बैठे जी, अपना तैयारी चल रही है आज घुमाने की है। थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। बिट्टू नाम है जी। यहाँ से गांव से? अच्छा जी। आप? गांव जीवना सुनील कुमार। अच्छा अच्छा, हाँ जी राम राम जी। ये है भाइयों जो बछड़ों के असली मलजी है, ये सामने बैठे। क्या नाम? राम जीवना। बाबू राम जीवना। तो चौधरी साहब अब लो चल रहा जी शौक, कैसा जी लग रहा? मतलब जी लग रहा जी। आपके सारे ही रह रहे है, फिर इससे बाद में तो ना रखे जाते नहीं, बस रखन की नहीं। जब मैं अपने पिताजी का महाराज मेरा नहीं मामू। हाँ नहीं सही कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। नहीं आदेश भैया तो अपना बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बछड़े हैं। तो भैया देखो एक तो व्यवस्था देखो कच्चे की कितनी बढ़िया, और बहुत सुंदर जो है बैलों की जो उठा इनके पास में। तो अभी भैया जी कुछ बात कर रहे थे वहाँ, थोड़ा सा हम बैलों के पास में आए, तो एक बार तो चलाइए जी। आप कहीं लेके आए थे भैया? अच्छा अच्छा, आ जाओ थोड़ा सा इधर ही आ जाओ, यहाँ तैयारी। हम कुछ बात कर रहे थे अभी, वो इस वजह से रोक देते। हाँ जी थोड़ा सा बताओ जी, प्राचीन उस पर क्या क्या बता रहे? मतलब कह रखा है जी जी, हम लोग पश्चिम की नकल कर रहे हैं जी है? हाँ बिल्कुल। और पश्चिम में क्या है, सूरज छिपता है। हाँ जी, पूरब में निकलता है जी। जब कोई चीज हमारे यहाँ जो मूल नस्ल है वो खत्म हो जा। हाँ जी जी, सुबह देसी गाय खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, देसी गाय खत्म होने का कारण क्या है,
देसी गाय खत्म होने का मेन क्या, हमें लॉजिकल जानकारी नहीं देसी गाय के। बिल्कुल सही बात। ब्राजील ने उस पर मेहनत करी, रिसर्च कर रहे, ब्राजील में 30-30 लीटर दूध की गाय है। जी जी जी। असल जो नागौरी नस्ल है, क्षेत्र की अलग अलग नस्लें हैं। बिल्कुल। हरियाणा की रीढ़ अलग है, नागौरी नस्ल अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमने जर्सी फ्रीजन और दूध को ज्यादा दूध देने के चक्कर में अपनी भारतीय नस्ल की सारी गाय जो है खत्म कर ली। दूध तो देसी गाय भी दे। हाँ जी जी। देसी गाय में 3 वैरायटी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नागौरी गाय है, हाँ जी, नीचे 8-9 लीटर दूध है। हाँ जी हाँ जी। 8 भी है, 5 भी है। जी जी। और इसके जो बछड़े हैं फुर्तीले होते हैं। बिल्कुल। हरियाणा ब्रीड की गाय है, 15-16 लीटर दूध की है। जी जी। साहिवाल गाय है जी, 25-26-30 ऐसी आपका जो है, गिर है। हाँ बिल्कुल। या काकरेज है, सिंधी है। जी जी जी। रेड सिंधी बोलते हैं जी। तो काफी नस्ल है अभी भारतीय नस्ल जो हमारे और राज्यों में बचा भी रखी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में तो कोई इस चीज पर नस्ल सुधार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बहुत कम शौक इनकी साने थे। हाँ जी जी। नस्ल सुधार क्यों नहीं हो पा रहा, जैसे हमारे यहाँ मैं आपको एक छोटी मोटी सी बात बता रहा। जी जी। जैसे हमारे यहाँ गोत्र सिस्टम चलता है जी, भाई गोत्र के गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। गोत्र के गोत्र में लोगों को पता तो गोत्र के गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, पर उसके पीछे हमें जानकारी नहीं है। हाँ जी। जानकारी क्यों नहीं है जी, बस मोटा मोटा जान रहे बस, उसे ऑथेंटिक्स मतलब सिद्धांत के अनुकूल हम जानते नहीं। जैसे आप गोत्र गोत्र में शादी करोगे तो जो आपकी नस्ल है वो अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक जेनेटिक रोगों तक ग्रस्त हो जाएगी। हाँ, यहाँ गोत्र छोड़ के परंपरा ये तो है, गोत्र छोड़ के जी 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 शादी करने की। अच्छा, गोत्री सवाई बाकी ऐसे नहीं। हाँ। उसका लॉजिक यो है, आप गोत्र के गोत्र में शादी करोगे तो आपकी जो नस्ल है वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे पास देसी नस्ल की गाय थी, हमने क्या काम करा, एक ही गाय पे मतलब गोत्र सिस्टम नहीं अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल। उसका उसका क्या है, उसका जो लेवल है दूध का स्तर वो खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, देशी गोवंश के प्रति हमारे आदेश भाई को बहुत अच्छी जानकारी भी है, और हमारे किसानों को जो है अपनी नस्ल सुधार पे भी काम करना चाहिए, अच्छे पशुओं पे भी काम करना चाहिए, जिस तरीके से हरियाणा और राजस्थान, हाँ जी गुजरात, काफी इन राज्यों में किसान बहुत आगे है पशुपालक, और हमारे यहाँ पे बहुत कम किसान ऐसे है। देखो गंगा जी के टाइम पे अब हमारे आदेश भाई जैसे ये 2 महीने के लिए मेहनत करेंगे और उसके बाद में फिर गोड़ हो जाएगा जी मामला हमारे यहाँ। हाँ जी, लेकिन आपके यहाँ ये अच्छा लगा कि आप जुताई उताई सब कुछ करो जितना है ना जी। फिर दूसरी बात क्या है जी, जी, जी। ज्यादातर मैं अपने भक्तों, मुझे तो पहले तो हमने कई साल घोड़ी रखी। अच्छा, घोड़ी भी रखी थी। बस 17-18 साल तो मेरी मेरे पिताजी रखता रहते। जी जी जी। मेरे बाबा ने रखी घोड़ी। अच्छा अच्छा। और हम हालांकि मारे रहा तो जोटे का भी शौक। हाँ जी। जोटा छोटा फिर कहोगे जोटा तो यम राज की सवारी मानू आप। बिल्कुल 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 सही बात। हाँ जी जी लगा लो। जी जी जी। भाई जिसे शौक है शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छा जो शौक है वो बैडों का। हाँ जी। धन का शौक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने कितने दांत बछड़े जी थोड़ा सा? ये तो दांत तो 4 हो गए, 2 लाइक है। अच्छा 2-4 ठीक है जी। यो इनकी गौर पानी क्या चल रही है, खाने में क्या क्या दे रहे? खाने में अपना चना। अच्छा बिनोले बिनोले। तो कितने किलोमीटर पड़े आपके यहाँ से सुक्करताल गंगा जी? 40-45 के। अच्छा अच्छा। तो आप जैसा लेके जाओ तो किसी के साथ कंपटीशन थोड़ी होता होगा? हम तो आराम से लेके जाएंगे, आराम से लेकर अपने मस्ती के साथ में। ऐसा नहीं हमें भगानी। बिल्कुल बिल्कुल, है बिल्कुल। नहीं? जी जी। खेती करनी है हमारे। हाँ जी जी। बाकी के इनकी कुछ खासियत चलने वलने की? बढ़िया बढ़िया ना गोल कराए थे। अच्छा अच्छा। तो फिरक में भी चल जाए या इसमें चलेंगे? टंगे में चलते हैं। टंगा है मूल। अच्छा टंगा जानकारी जी जी। भाइयों पहले एक बार टंगा और दिखाता थोड़ा सा। ये भाइयों देखो इनके पास में बिल्कुल पुराना है, इनके बड़ों की धरोहर। हाँ जी। और यही टांगे पहले हमारी बैलगाड़ी जो है इसी में लकड़ी का देख लो पहिया लग रहा है। यो तो टांगा है लकड़ी का। हाँ जी ठीक है जी जी। इसे लोगों को तो नहीं पता क्या क्या है। हाँ जी यो जंग है। वैसे यो जंग है जी। हाँ, इसे बोला है घंटा। हाँ, घंटा जंग है। जंग है जी। हाँ, इसे आगे जी यो आगे जुआ है। अच्छा जुआ है। ये क्या बोले जा जी जैसे ये है? ये तो जोत है। अच्छा ये जोत है। ठीक है जी। और भाई देखो कितने शौक से जुआ तैयार कर रखा। और इससे पीछे भी मैं दिखा दूं इनमें जो है हाल है। अच्छा ये हाल इसके ऊपर लोहे की। हाँ लोहे की हाल हो। अच्छा अच्छा। और ये इसमें बैरिंग है जी? ना इसमें पूछ रहे हैं। अच्छा पूछ रहे हैं जी। और लकड़ी देखो भाइयों जो प्योर सिस्टम का है। प्योर सिस्टम का है। और ये इन्होंने बिल्कुल अब घुमाने में पहले वालों के लिए कंप्लीट कर रखा जी। एक आदमी इसमें बिल्कुल मस्ती के साथ में बैठेगा। दो आदमी बैठ जाए। दो आदमी बैठ जाए जी। अच्छा अच्छा। तो अब इसकी घुमाने की क्या तैयारी चल रही जी?
अच्छा दुड़की भी चला करो चाल, दुड़की भी बढ़िया मारे। तो भाइयों अब एक बार लेके चलते हैं, एक बार वीडियो बना लो भाई। हाँ जी जोटे की बनाओगे। तो भाइयों इस जोट को जो है अभी गाड़ी में चलवा के दिखाते हैं हम आपको, तो एक बार जुड़वाते हैं ना। ये देख लो भाइयों, अब आपको तांगे में दिखाऊंगे इस जोड़ी को। झोलो लोड़ा के बिल्कुल टॉप कर दीजिए। वाह वाह, ये तो पूरी प्रैक्टिस है जी ना। तो ये देख लो भाइयों, ये खड़ू करवाऊंगे जी, इन्हें अलग रख लो तुम कभी भी जग जा। ये देखो भाइयों कितनी सुंदर तरीके से चल रही, थोड़ा सा पीछे रोक के चली जी, मंद करो जी, दूर हो गए ज्यादा आप। चलो जी चलो चलाओ तुम। ये देख लो जी भाइयों दोनों बैलों की चाल देखो, चलते रहो गजबगार झूल भी भाइयों सुंदर लग रही बिल्कुल। अब देखो चाल यहाँ पे थोड़ा सा भाइयों शाम के समय इसलिए जोड़ा क्योंकि अभी गर्मी है, मैं लेट आया था इसलिए, क्योंकि यही समय बढ़िया रहता है घुमाने का, या तो सुबह के टाइम या शाम के समय। तो ऑडियो की क्लियरिटी पर ना जाइयो वीडियो की, थोड़ा सा मंदे करो जी। और मंदी करो भाइयों, दोनों में कमेंट करके बताइए चाल कौन सा बढ़िया चल रहा है। ये देख लो ये शौक भाइयों बहुत कम किसानों को रह गया, और मैं तो बहुत अच्छे किसान मानता हूँ इन्हें जो ये शौक कर रहे, और अपनी परंपरा को भाइयों अब तक बचा के रख रखा जिन किसानों ने, इन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, और हमारे भाइयों को भी जो खेती कर रहे। हाँ जी जो रास्ता भी अंधेरे से कहा गया कुछ। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा गर्मी हो रही है अभी, मौसम नहीं आया, सोच अभी शुरू हुआ, बाकी की 10 दिन बाद में दोबारा से इन बैलों की वीडियो आओगी बछड़ों की, क्योंकि आज हम दूसरे रास्ते पर ले गए और इनकी जो घुमाई हो रही है वो दूसरे रास्ते पर हो रही, तो कंप्लीट वीडियो दोबारा से बनाऊंगे 10 दिन बाद में, ठीक है जी।